हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। मैं इस सब्जी को डीप फ्राई करके नहीं बनाऊंगी, पर इसका टेस्ट फिर भी वैसा आएगा। अगर आप इस तरीके से गोभी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बनती ही इतनी टेस्टी है। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल के साथ थोड़ी सी अजवाइन के साथ ही हम डालेंगे जीरा। इसमें मैंने अजवाइन इसलिए डाली है क्योंकि ये गोभी को पचाने में सहायक होती है और इससे गोभी का स्वाद भी बढ़ता है। इसके बाद हमने डाला है प्याज और साथ ही में डालेंगे हम चॉप्ड अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। फिर इसे अच्छे से भूनेंगे। जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जैसे नमक। नमक के बाद हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, फिर तीखी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब हमें इस मसाले को भी अच्छे से भूनना है। फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। जैसे ही ये मसाला भी भून जाएगा तो इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। इस मसाले को भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये साइडों से अपना तेल ना छोड़ दे। जैसा कि हमें पता है कि ये गोभी खाने में मीठी होती है, तो इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा तीखापन ज्यादा रखना चाहिए और साथ ही में इसमें टमाटर भी थोड़े ज्यादा डालने चाहिए। ये मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाला है ताकि इसका मसाला नीचे से लग ना जाए। ये मैं 1 किलो गोभी बना रही हूँ। इसको मैंने 3 बार गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गोभी। गोभी को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही गोभी के साथ मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें आलू। मैंने आलू लिए हैं 3 बड़े आलू, वो मैंने इसमें गोभी में डाल दिए हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ये गोभी आलू की सब्जी को स्लो पर पकाऊंगी और ढककर, ताकि ये सब्जी अपने ही पानी में पके। और देखिए, गोभी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। गोभी की सब्जी को धीमी आंच पर पकाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। और ये देखिए, हमारी गोभी का रंग कितना अच्छा आया। अब मैं इसको गार्निश करूंगी धनिया पत्ती से। और लीजिए, ये तैयार होगी हमारी गोभी आलू की सब्जी।